यमी डिलीशियस कपकेक्स खाना तो हम सबको पसंद आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी से कपकेक की रेसिपी। आप देख सकते हैं इस कपकेक में कितने सारे जाली आए हैं और ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनकर के तैयार हुआ है। यकीन मानिए, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कपकेक की रेसिपी को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक कढ़ाई को गर्म कर लेना है। आप कढ़ाई की जगह प्रेशर कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ कढ़ाई रख लिया है और इसमें हमने एक स्टैंड डाल लिया है। स्टैंड ना हो तो आप कोई भी कटोरी या प्लेट को उल्टा करके रख सकते हैं। 10 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल में हमने ले लिया है आधा कप दही, आधा कप ले लेते हैं पिसी हुई चीनी। अब इन सबको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो इसे फेंटते जाएं, जब तक ये जो दही है वो बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए तब तक इसे हमें मिला लेना है इस तरह से। तो आपके पास अगर विस्कर हो तो उसका ही यूज़ करें, इससे ज़्यादा आसानी से हम इसे फेंट सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छा स्मूद हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं ऑयल। तो यहाँ 3 चम्मच हमने ऑयल डाल लिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप कोई भी स्मेल वाला ऑयल जो है वो यूज़ ना करें, जैसे कि सरसों का तेल आप इसमें यूज़ ना करें। मैंने यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल का यूज़ किया है। अब इसे हमें तब तक मिक्स कर लेना है जब तक कि जो ऑयल है वो इस मिश्रण में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। अभी आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो ऊपर ऊपर आपको तैरता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसे हमने तब तक फेंट लिया है जब तक ये ऑयल इसमें पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और ऊपर ना दिखे। इसमें अब हम डाल लेते हैं 3/4 कप मैदा, 1/4 कप बेकिंग सोडा और आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल लेते हैं। इन सबको हम इस तरह से मिक्स करते हुए छानते हुए मिश्रण में डाल लेते हैं। इस तरह से छानने से जो हमारा केक बनता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफी बनता है और मैदे में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। और इस तरह से जब हम मैदे को यूज़ करते हैं तो गुठलियाँ भी इसमें नहीं पड़ती है। तो चलिए अब हम इसे मिला लेते हैं। तो बहुत ही तेज़ हाथों से आपको इसे नहीं फेंटना है, वरना जो हमारा केक बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा। तो हल्के हाथों से आप इसे मिक्स करते जाएं और एक ही डायरेक्शन में हमें इसे मिला लेना है। 2 डायरेक्शन में, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से आपको नहीं इसे मिक्स करना है। एक ही डायरेक्शन में इसे हम इस तरह से मिलाते जाएंगे। आधा छोटा चम्मच वेनिला एसेंस भी डाल लेते हैं। आप चाहे तो इसमें टूटी फूटी का भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। और अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा जो मिश्रण है वो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि जब हम इसे गिरा रहे हैं तो ये बिल्कुल रिबन की तरह ही गिर रहा है। यहाँ पे हमने कुछ पेपर कप्स लिए हैं। आप चाहे तो घर की स्टील वाली जो कटोरी होती है उसमें भी आप इसे सेट कर सकते हैं। तो स्टील वाली जो कटोरी आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें पहले ऑयल को ग्रीस कर लें और उसके बाद इसमें बैटर डालें। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो बैटर है वो पूरा नहीं भरना है, आपको बैटर 3/4 कप ही भरना है इसमें, क्योंकि जब ये फूलेगा तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसे हम इस तरह से टैप कर लेते हैं। इससे जो है इसका एक्स्ट्रा एयर जो रहेगा वो इसमें से निकल जाएगा। अब इसे गार्निश करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ टूटी फूटी का यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या इसके जगह आप ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो कढ़ाई है वो भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो बिल्कुल सावधानी से इसे आप इसमें रख दें। और अब हम इसे 30-35 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे ढक करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम जो है कम या ज़्यादा आपको लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो गैस फ्लेम है वो ज़्यादा या कम है, किस हिसाब से होता है उसी हिसाब से ये पक करके तैयार होते हैं। तो ये देख सकते हैं,
तो ये 35 मिनट्स के बाद ही हमारा कपकेक जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है और बहुत ही अच्छा इसमें कलर भी आया है। और ये देख सकते हैं ये हमारी टूथपिक है, वो भी अच्छा क्लीन निकला है, यानी कि ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे ठंडा करते हैं, उसके बाद हम इसे देखते हैं काट के कि ये अंदर से कैसे लग रहे हैं। इन कपकेक्स को देख कर के मुँह में पानी आ जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ़्ट बन के तैयार हुए। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, स्पॉन्जी बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट से हमने इसे बना करके तैयार किया है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये यमी डिलीशियस कपकेक की रेसिपी? बहुत ही आसानी से ये बन करके तैयार होती है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।